Hello friends, welcome to my YouTube channel Indian Housewife Supriya के channel पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे काढ़ा। पत्ता और अदरक का टुकड़ा ले लेंगे। अब इसे हम गर्म पानी में डालेंगे और इसमें हम अदरक कर देंगे। यह काढ़ा बहुत ही लाभदायक है और यह काढ़ा बिल्कुल पीने में कड़वा नहीं लगेगा। ये सब पी सकते हैं, बच्चे बूढ़े सब। तो अगर आप अदरक घस के डालना चाहते हैं तो घस के डालें, या आप कूट कर डालना चाहते हैं कूट के डालना चाहते हैं तो आप कूट के डाल सकते हैं। तो अब अदरक और सारे मसाले को कूट लेंगे अच्छी तरह से, फिर हम इसे गर्म पानी में डाल देंगे। अगर ये आप रोज़ पियेंगे तो आपको कभी सर्दी जुकाम नहीं होगा। और ये तो कम पैसे में पूरे फैमिली के लिए तैयार हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको जितना मन करे। आपकी फैमिली में जितने सदस्य हैं आप उतना बना सकते हैं। इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम एक नींबू ले लेंगे। ये बिल्कुल पीने में आपको चाय की तरह लगेगी, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप काढ़ा पी रहे हैं। इसका कलर आप देखिए कितना अच्छा हो गया, कितना अच्छा। आप इसमें आप अपने हिसाब से और भी कुछ मिला सकते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं उसे, आप उसमें कुछ भी मिला सकते हैं। आपको जो इलायची, चूड़ी, अश्वगंधा, सब कुछ भी मिला सकते हैं। आपको जो जो मिलती है औषधि आप इसमें मिला के पी सकते हैं। हाँ, दालचीनी, आप इसमें दालचीनी भी डाल के पी सकते हैं। आप सारे को पाउडर बना के रख लीजिए और फिर एक चम्मच डाल के भी आप बना सकते हैं। तो देखिए हमारा काढ़ा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें हम नींबू डाल देंगे। काढ़े का कलर क्या मस्त आया है। ये पीने में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल कड़वा नहीं है। एक बार ट्राई करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।